गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स के टी पी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है हम पढ़ रहे थे सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड इसमें दो रूल हमने खत्म कर दिया था ओके okay. सो so, एक ब्रीफ uh, इंट्रोडक्शन के साथ फिर से स्टार्ट करते हैं वट इज़ सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड एंड द क्वेश्चन इज दैट दैट वाई वी नीड टू स्टडी और क्रिएट दैट सब्जेक्ट और दैट टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड ओके सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड के बारे में हम बताएं कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट ही क्या कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ट और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन सिंपल सा एक लॉजिक था कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमें वर्ब भी सिंगुलर लेना है इन एवरी सेंटेंस ओके सिंपल सा लॉजिक था अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमें वब भी प्लूरल लेना होगा बट देर इज़ लॉड्स ऑफ एक्सेप्शन्स बहुत सारे अपवाद हैं जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बाद भी हमें प्लूरल वर्ब लेना होता है और प्लूरल सब्जेक्ट होने के बाद भी हमें सिंगुलर वर्ब लेना होता है और वही सारे रूल्स को हमने पढ़ने के लिए एक नया टॉपिक क्रिएट कर दिया दैट इज़ नोन एज सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल नंबर वन में हमने देखा कि आई से आई क्या है आई हमारा एक सब्जेक्ट है नॉर्मल एक आई सब्जेक्ट है जिसका हिंदी होता है मैं ओके okay. मैं मैं means क्या? मैं क्या एक सिंगुलर सब्जेक्ट होगा है ना ये क्या होगा एक सिंगुलर सब्जेक्ट होगा बट आई के साथ हमने क्या किया आई वॉज अ टीचर इट मीन्स आई क्या है यहां पर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहां पे वर्ब भी हमने सिंगुलर वर्ब लिया देट इज ओके ये करेक्ट है बट अगर हमने लिखा आई हैव अ कार इट मीन्स क्या मेरे पास एक कार है ये सब, ये सेंटेंस भी सही है वाई अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है सर ये तो सिंगलर सब्जेक्ट है बट दिस इज प्लूरल वर्ब देन हाउ इट इज करेक्ट इट इज करेक्ट ड्यू टू सब्जेक्ट वर्ब ऑफ कंकर्ड ये रूल है यही रूल हमने रूल नंबर वन में पढ़ा है कि आई हमेशा क्या होगा एक सब सिंगलर सब्जेक्ट होगा बट वर्ब उसके साथ सिंगलर वर्ब भी आ सकता है और प्लुरल वर्ब भी आ सकता है ओके, okay. चलिए आगे देखते यू से रिलेटेड भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन है यू से रिलेटेड भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन है यू क्या है यू मीनस होता है तुम समाइम इट्स तुम और समाइम इट्स uh, तुम्हारा एंड स आप लोग आप लोग भी होता है ओके तो नाउ द क्वेश्चन इज दैट यू क्या है हमारा यू हमारा कभी कभी सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो सकता है और कभी कभी ये प्लूरल सब्जेक्ट भी हो सकता है ओके बट वी ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब विद दैट ओके वी ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब विद दैट इट मीन्स यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे चाहे वो सिंगलर सब्जेक्ट हो प्लूरल सब्जेक्ट हो ओके okay? चलिए इसको हम रूल वाइज लिख लेते हैं सो राइट डाउन रूल नंबर थ्री रूल नंबर थ्री यू इज यूज एज Sometimes singular subject or sometimes plural subject, but we ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब विथ एट इट मीन्स कहने का मतलब क्या है यू जो है कभी कभी सिंगलर सब्जेक्ट और कभी कभी प्लूरल सब्जेक्ट के जैसा यूज हो सकता है बट वी ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब विथ एट यू uh, जब भी यू सब्जेक्ट आएगा तो हम क्या करेंगे हमेशा प्लूरल वर्बी उसके साथ यूज करेंगे ओके चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर वन एग्जाम्पल नंबर वन यू कैन से यू आर अ स्टूडेंट फाइन यू आर अ स्टूडेंट

बट प्लूरल हैपिंग वर्व है बट यू क्या है जब ये इंजीनियर्स लगा है इट मीन्स इट इज प्लूरल सब्जेक्ट ओके यू आर इंजीनियर्स मतलब आप सभी लोग क्या है आप लोग इंजीनियर्स है आप लोग क्या हैं इंजीनियर्स हैं आप लोग मीन्स बहुत सारे लोग हैं लोग हैं वहां पर और आप सब लोग इंजीनियर हैं इट मीन्स यू इज देयर प्लुरल सब्जेक्ट एंड वी यूज प्लूरल वर् विद इट ओके बट हेयर यू आर अ स्टूडेंट इट मीन्स आई एम Talking to a single person, it means you are only you are a student. Okay, a uh, it shows singular subject but we use plural verb with it. That actually rule number 3 wants to say you. Okay, rule number three आपके वो यही कहना चाह रहा है कि जब भी you आएगा subject के रूप में, चाहे वो singular subject के रूप में है, चाहे वो plural subject के रूप में है, we have to use plural verb with it. Okay, चलिए होप करते हैं समझ में आओ रूल नंबर थ्री रूल नंबर फोर की ओर बढ़ते हैं देखिए एक्सेप्शन बहुत सारे हैं और उसी एक्सेप्शंस को हमें पढ़ना है सब्जेक्ट वर्ब uh, आपका कंकर्ड या एग्रीमेंट जो भी कह लीजिए ओके, राइट डाउन रूल नंबर फोर ओके सपोजिशनल सेंटेंस Suppositional sentence starts with like, as if, if, as thou, Is used as in a sentence we use only WERE -E verb with it. इट मीन्स वॉट रूल नंबर फोर वॉन्ट्स टू से यू सपोजिशनल सेंटेंस स्टार्ट विथ लाइक एज इफ इफ एज दाउ ओके इज यूज एज इन अंटेंस वी यूज ओनली वर वर विद इट ओके इट मीन्स कहने का मतलब है अगर ऐसा सेंटेंस जो एज इफ इफ एज दाउ से स्टार्ट होगा ओके okay, और एक सपोजिशन क्रिएट uh, करेगा इट मीन्स एक मीन्स सपोज मीन्स व्हाट वेन एवर वी सपोज मीन्स कुछ हमने अनुमान uh, लगा लिया सपोज uh, कर लिया कि लाइक like, uh, अगर मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता तो ये एक सपोज करने वाली बात है मैं चिड़िया हो नहीं सकता हूँ और मैं आकाश में उड़ नहीं सकता हूँ तो uh, इस तरह का सेंटेंस कैसे होगा इफ आई वर अ बर्ड देन आई फ्लाई हाई ओके तो जब भी सपोज करने वाला सेंटेंस होगा और इफ एज इफ एज तरह से लिख लीजिए इस तरह के वर्ड्स आएंगे और सपोजिशनल सेंटेंसेस होगा वो तो हम हमेशा वर वर्ब का यूज करेंगे ऑके okay. एग्जांपल से समझते हैं और अच्छे से उसको ओके okay. एग्जांपल एग्जांपल नंबर वन एफ मनीषा वर माय वाइफ आई एम वेरी हैप्पी ओके इट मींस कहने का मतलब है अगर मनीषा मेरी वाइफ होती तो मैं क्या होता बहुत ज्यादा खुश होता इट मीन्स आई एम सपोजिंग दैट मैं ऐसा सोच रहा हूं कि अगर मनीषा मेरी फ्रेंड सॉरी uh, वाइफ होती तो मैं क्या होता बहुत ज्यादा खुश होता तो यहां पर ये इफ जो है ये पूरा का पूरा सेंटेंस एक सपोज किया हुआ सेंटेंस है जो ऐसा कुछ है नहीं तो ये जो इस तरह का सपोज वाला सेंटेंस है वो ओनली वर्ब के साथ यूज होगा वन मोर एग्जाम्पल ओके If he were my boss, then he will scolded me. Fine, he will scolded me. It means अगर वो मेरा boss होता तो वो मुझे क्या करता? वो मुझे डांटता। फ ही वर माई बॉस देन ही विल स्कॉल्ड इट मी ये क्या है ये सारे सेंटेंसेस में हम सोच रहे हैं बातों को क्या कर रहे हैं सोच रहे हैं फाइन चलिए आगे वन मोर एग्जाम्पल वेरी कॉमन इफ आई वर वर्ड ओके देन आई विल फ्लाई ओके इट मीन्स अगर मैं बर्ड होता तो मैं क्या करता उड़ता आसमान में क्या करता उड़ता इफ आई वर वर्ड देन आई विल फ्लाई तो होप करते हैं ये रूल नंबर फोर भी आपको समझ में आओ इट मींस जितने भी सेंटेंसेज है जो सपोजिशनल सेंटेंस यानी सोची हुई बातें होंगी वो सारे सेंटेंसेस को हम वर्ब वर्व के साथ यूज करेंगे ओके चलिए रूल नंबर फाइव की ओर बढ़ते हैं फाइव रूल नंबर फाइव में कंडीशनल uh, सेंटेंसेस के बारे में पढ़ना है ओके कंडीशनल सेंटेंस लाइक एफ एज इफ एज धाव

अभी हमने क्या सिखाया इफ एज इफ एज वाले सेंटेंसेस के साथ हम सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करेंगे वर्ब का यूज कर रहे थे ओके okay? वर्ब का यूज कर रहे थे बट अब हम क्या सीख रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस ओके तो मैटर ये है यहाँ पे दिस इज जो भी वर्ब है वो इट्स ऑल डिपेंड ऑन सेंटेंस ओके व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द सेंटेंस व्हाट इज द क्रिएटिंग सिचुएशन ऑफ द

ओके okay. अब यहाँ पे आपका वही सेंटेंस उसी आ, उसी वर्ड से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस बट यहाँ पर तरीका बदल चुका है अब हम सपोज नहीं कर रहे हैं अब हम एक कंडीशन डाल रहे हैं ओके okay? हम एक कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं लाइक इफ यू कम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑन माय ऐप देन आई विल टीच यू ओके तो ये क्या है ये कंडीशन है? है अगर आप के क्लासेस ऐप पर आओगे तो मैं क्या करूँगा आपको

अब हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं एक्चुअली में वट आई एम ट्राइंग टू से यू ओके एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर वन इफ यू कम टू द के टी पी क्लासेस एप देन आई विलच यू इंग्लिश फाइन चलिए तो कंडीशन क्या है अब मैंने एक कंडीशन क्रिएट किया कि अगर आप के टी पी क्लासेस ऐप पर आते हैं तो मैं आपको क्या करूंगा इंग्लिश पढ़ाऊंगा एफ से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस बट इट इज नॉट सपोजिशनल ओके मैं कुछ सपोज uh, नहीं कर रहा हूं मैं कुछ सोच नहीं रहा हूं इट इज ओनली अ कंडीशन अगर आप आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा ओके इफ यू विल कम देन यू विल लर्न फाइन चलिए तो यहां पर क्या है एफ हमारा यू हमारा एक सब्जेक्ट था जो इफ यू यू यहां पे एक सिंगलर सब्जेक्ट है ओके okay, तो कम भी हमारा क्या हुआ उसी हिसाब से वर्ब हो गया सिंगलर वर्ब हो गया ओके चलिए वन मोर एग्जाम्पल लाइक स्नेहा looks as though c works here okay chaliye अब यहाँ पे क्या है स्नेहा जो है हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और लुक्स जो है हमारा एक सिंगुलर वर्ब है जो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज़ किया गया है उसी तरह से ये सी जो है हमारा सिंगुलर प्रोनाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट कह दीजिए और वर्क जो है एक सिंगुलर वर्ब के जैसा यूज किया है इट मीन्स यहाँ पे वर्ब वाली कोई बात ही नहीं है जिस एक, जिस अकॉर्डिंग सब्जेक्ट होगा हमारा उस अकॉर्डिंग हमारा वर्ब होगा दिस इज दिस इज ऑल अबाउट एक मिनट एक मिनट यहाँ पे ये हमारा देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा यू हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है और कम भी हमारा एक प्लूरल वर्ब है ओके चलिए देखिए तो यहाँ पर क्या है स्नेहा लुक्स एज दाउ सी वर्क हेयर स्नेहा ऐसा देखने में बिहेव कर रही है फिर ऐसा लग रहा है देख कर ऐसा एक कंडीशन है इट मीन्स वो क्या है यहाँ पर क्या करती है वर्क करती है यहाँ पे क्या करती है वर्क करती है ऐसा देखने में लग रहा है स्नेहा लुक्स एज दाउ सी वर्क हेयर तो सिंगुलर सब्जेक्ट था हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया दैट्स ऑल अबाउट रूल नंबर फाइव होप करते हैं रूल नंबर वन से लेके रूल नंबर फाइव तक समझ में आ होगा कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट कीजिए बाकी जो भी डाउट होगा मैं क्लियर करूंगा ओके okay?